नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आज की बड़ी खबरों में। मुख्य समाचारों में जानेंगे, सीजीआई ने दिया ऐतिहासिक फैसला, बोले ऐसा कोई नियम नहीं जो कोर्ट को रोक सके। जी हां, जानेंगे क्या कुछ अपडेट है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, टिकट न मिलने से नाराज मंत्रियों ने की महापंचायत, नहीं बना हरियाणा में कांग्रेस ऑफ गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, अपडेट आ रही है इंडिया गठबंधन को लेकर भी। इसी प्रकार की हर एक खबर जानिए, साथ में बने रहिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर ही लिख दीजिए दोस्तों। जय हिंद। इस समय की सबसे पहले और बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का ऐतिहासिक फैसला। जी हाँ, यहाँ पे सीजीआई ने कहा ऐसा कोई नियम नहीं है जो कोर्ट को रोक सके। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति किसी मामले में जेल में बंद है तो क्या उस पर दर्ज किसी अन्य मामले में उसे बेल के लिए याचिका लगाने की अनुमति है? नहीं। आपको बताते चाहें दोस्तों, सीजीआई ने ऐसे ही मामले पर फैसला दिया। इस पर सुनवाई के बाद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेंच ने यह साफ कह दिया कि अगर कोई व्यक्ति एक मामले में अरेस्ट है तो भी वो दूसरे मामले में भविष्य में पुलिस द्वारा की जाने वाली संभावित गिरफ्तारी के खिलाफ बेल का हकदार है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जेवी पी अधिवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कानूनी प्रश्न पर सुनवाई की। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई नियम नहीं है जो कोर्ट को रोक सके। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का ऐतिहासिक फैसला, सीजीआई ने बदल दिया नियम। अगली बड़ी खबर में जानते हैं, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, टिकट ना मिलने से नाराज मंत्रियों ने की महापंचायत। आपको बताते चले, पूर्व मंत्री हुए बागी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, टिकट न मिलने से नाराज कई बीजेपी नेताओं ने बागी तेवर अपना लिया। वहीं कोई पार्टी से इस्तीफा दे रहा तो किसी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो कोई कांग्रेस पार्टी में जा रहा। इतना ही नहीं, कुछ कद्दावर नेता तो अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में शक्ति प्रदर्शन के लिए महापंचायत और सम्मेलन कर रहे हैं। कईयों ने टिकट की आस में कांग्रेस का दामन थामा। इसी कड़ी में राज्य मंत्री संजय सिंह ने टिकट न मिलने से नाराज होकर सोहाना में महापंचायत की। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। महापंचायत के दौरान 51 लोगों की कमेटी बनाई गई। दोस्तों महापंचायत ने यह तय किया कि अगर दो दिन में बीजेपी संजय सिंह को टिकट देने संबंधित कोई निर्णय नहीं लेती तो कमेटी उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने पर आगे फैसला लेगी। देख सकते हैं यहाँ पर, यह ताजा घटनाक्रम है। हरियाणा बीजेपी में घमासान दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। क्या दोस्तों हरियाणा में कांग्रेस आपके बीच बन पाएगी बात या नहीं? आम आदमी पार्टी यहां पे लगातार ज्यादा सीटों की मांगों को लेकर अड़ी है। कांग्रेस और आपके बीच गठबंधन को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, हालांकि दोनों ही दल अब तक अंतिम निर्णय की हालत में नहीं पहुंचे हैं। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, 5 सीटें देने को तैयार है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आपको हरियाणा में। लेकिन इसी बीच दोस्तों आम आदमी पार्टी ने 20 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की और 11 ऐसे उम्मीदवार उतार रहे हैं जो सीधे तौर पर कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए यहां पे चुनौती खड़ी करेंगे। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है यहां पर। कांग्रेस ने उसे 3 सीटें दी हैं जिस पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार खड़े होंगे इंडिया गठबंधन के तहत। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर, ये ताजा घटनाक्रम है। हरियाणा में अपडेट आ रही है, आपके हिसाब से हरियाणा में कौन सी पार्टी चुनाव जीत सकती है? दोस्तों जरूर ही लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट की ओर चलते हैं। अमेरिका में राहुल गांधी ने पीएम मोदी आरएसएस पर साधा जोरदार निशाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर है। टेक्सास में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कोई अब प्रधानमंत्री मोदी से नहीं डरता, कोई भाजपा से नहीं डरता। राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी निशाना साधा। दोस्तों आपको बताते चले, इसके साथ ही अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी राहुल गांधी ने बड़ी बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में रोजगार में कमी आई है, भारत में कौशल की कोई कमी नहीं, लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है, इसीलिए यहां पर भारत में रोजगार की समस्या है। राहुल गांधी बोले, विपक्ष का मूल उद्देश्य लोगों की आवाज बनना है, संसद चलता है तो मैं देश के लोगों की आवाज उठाता हूँ। इस बार सवाल यहाँ पे जबरदस्त तरीके से पूछे गए हैं सरकार पे, और सरकार कई मामलों में बैकफुट पे भी दिखाई दी है। यहाँ पर सरकार पर अब दबाव रहता है, पहले की तरह आजादी नहीं है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री से कोई नहीं डरता, भाजपा से कोई नहीं डरता। यहाँ पे राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से आरएसएस बीजेपी को निशाने पर लिया। वहीं बीजेपी नेतृत्व ने बंद कराई ब्रजभूषण की बोलती। जी हाँ, ब्रजभूषण को जेपी नड्डा की सलाह, मीडिया से ना करें बात। हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक है,
और राजनीतिक हलचल तेज हो गई। हाल ही में रसलग ने सोगाट बजरंग पुनिया ने कांग्रेस ज्वाइन की, जिसके बाद से भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कई बार बयान दिए। ब्रजभूषण ने विनेश के बारे में बयान दिया, वहीं भाजपा आला कमान यहाँ पे स्थिति को भांप लिया कि हरियाणा में बीजेपी को नुकसान ना हो पहलवानों को लेकर ब्रजभूषण के बयान के चलते। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ब्रजभूषण को सलाह दी कि वह मीडिया से बातचीत ना करें। नड्डा का कहना है ब्रजभूषण के बयान हरियाणा के चुनावों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। विवादित बयान देते जा रहे थे एक के बाद एक, और दो तरफा हमले हो रहे थे। एक तरफ से विनेश फोगाट बजरंग पुनिया यहाँ पे निशाना साध रहे थे, ब्रजभूषण तो ब्रजभूषण पलटवार कर रहे थे। दोस्तों इस पूरे मामले पर अब जवान बंद कराई गई है ब्रजभूषण की बीजेपी आला कमान द्वारा। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान बीजेपी को लेकर लोगों में गुस्सा, वोट से जवाब देगी जम्मू कश्मीर की जनता। जी हाँ, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने चुनाव अभियान के दौरान बीजेपी और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। वही महबूबा मुफ्ती जो यहाँ पर 370 हटाए जाने से पहले बीजेपी के दम पर सरकार चला रही थी, अब उन्होंने बीजेपी को लेकर बोला है कि लोगों में गुस्सा है बीजेपी के प्रति, इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता वोट के माध्यम से अपना जवाब देगी। दोस्तों आपको बताते चलें, इंडिया गठबंधन के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनावी मैदान में है, वहीं पैंथर पार्टी भी कांग्रेस की सहयोगी है जम्मू कश्मीर में। इन्हीं के बीच यहां पर दोस्तों कड़ा मुकाबला माना जा रहा है बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच, जबकि पीडीपी यहां पर रेस से एकदम बाहर दिख रही इस बार। जी हां, पिछली बार के मुकाबले पीडीपी का इतना ज्यादा जोर नहीं है, इसी के चलते अब बीजेपी से भी खासी नहीं बन रही है। बीजेपी को लेकर भी पीडीपी के आक्रामक बयान दर्शा रहे हैं कि इस बार बीजेपी और पीडीपी सत्ता में नहीं आने वाले। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार रेलवे ने विनेश फोगाट बजरंग पुनिया का इस्तीफा मंजूर किया। जी हाँ, इससे पहले नोटिस जारी करके जवाब मांगा था कि आखिर इस्तीफा क्यों स्वीकार किया जाए। कांग्रेस में शामिल होने से पहले दिया था त्याग पत्र। कांग्रेस ने विनेश फोगाट को हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जुलाना विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का टिकट दिया। वहीं बजरंग पुनिया को कांग्रेस ने किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। वहीं भारतीय रेलवे ने पहलवान विनेश फोगाट बजरंग पुनिया के इस्तीफे को अब तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। इससे पहले यहाँ पे कानूनी अड़चन माना जा रहा था इसे, कहीं इनके सपनों पे पानी ना फिर जाए। कांग्रेस पार्टी हमला बोल रही यहाँ पे बीजेपी पर और रेलवे पर, तब दोस्तों जाकर रेलवे ने यहाँ पर इन दोनों नेताओं का इस्तीफा स्वीकार किया है। ये आ रही थी दोस्तों आज की हर एक बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज एक एक करके आप तक पहुंचाई इस एक वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइएगा, बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।